हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की प्लेलिस्ट दी है, उसे आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल है, बार छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ पर हुआ था? आपके ऑप्शन ए अलवर, बी जयपुर, सी जोधपुर, डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर है बी जयपुर। अगला सवाल है, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चित बनाया था? आपके ऑप्शन ए राजस्थान, बी केसरी, सी प्रताप, डी यंग इंडिया। तो इसका सही आंसर है सी प्रताप। अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अधिकारी की 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई थी? आपके ऑप्शन ए मेजर बटन, बी कैप्टन मोकमेसन, सी कर्नल एबॉट, डी कैप्टन सावर्स। तो इसका सही आंसर है ए मेजर बटन। अगला सवाल है, निम्न में किसने एक ही आंदोलन को शुरू किया था? आपके ऑप्शन ए गोविंद गिरी, बी माणिक्यलाल वर्मा, सी गोकुलबाई भट्ट, डी मोतीलाल तेजावत। इसका सही आंसर है डी मोतीलाल तेजावत। अगला सवाल है, मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1910, बी 1913, सी 1916, डी 1921। तो इसका सही आंसर है बी 1913। अगला सवाल है, बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1921, बी 1915, सी 1933, डी 1938। इसका सही आंसर है ए 1921। अगला सवाल है, 1857 में हुए आउवा के युद्ध की अगुवाई किसने की थी? आपके ऑप्शन ए ठाकुर भूप सिंह, बी ठाकुर कृष्ण सिंह, सी ठाकुर कुशाल सिंह, डी ठाकुर राम सिंह। तो इसका सही आंसर है सी ठाकुर कुशाल सिंह। अगला सवाल है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, बी जमनालाल बजाज, सी टीकाराम पालीवाल, डी अर्जुनलाल सेठी। तो इसका सही आंसर है डी अर्जुनलाल सेठी। अगला सवाल है, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए ऋषिदत्त मेहता, बी नैनूराम शर्मा, सी साधु सीताराम, डी शोभाराम कुमावत। तो इसका सही आंसर है बी नैनूराम शर्मा। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस संस्था की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन ए आर्य समाज, बी हरिजन सभा, सी परोपकारिणी सभा, डी इजलास सभा। तो इसका सही आंसर है सी परोपकारिणी सभा। अगला सवाल है, मत्स्य संघ का नामकरण किसके प्रस्ताव से हुआ था? आपके ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी जमनालाल बजाज, डी के एम मुंशी। तो इसका सही आंसर है डी के एम मुंशी। अगला सवाल है, निम्न में से किन नेताओं ने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग नहीं लिया था? नंबर एक विजय सिंह पथिक, नंबर दो नारायण जी पटेल, नंबर तीन साधु सीताराम, नंबर चार माणिक्यलाल वर्मा। आपके ऑप्शन है ए एक और तीन, बी दो और चार, सी केवल दो, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डी इनमें से कोई नहीं। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में इन चारों ने ही हिस्सा लिया था। अगला सवाल है, शंकर राव देव समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य थे? आपके ऑप्शन ए 5, बी 3, सी 7, डी 9। तो इसका सही आंसर है बी 3। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी महिला मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है? आपके ऑप्शन ए नारायणी देवी, बी गोमती देवी, सी लक्ष्मी शर्मा, डी कृष्णा कुमारी। तो इसका सही आंसर है ए नारायणी देवी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन ए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1930, बी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936, सी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938, डी किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939। तो इसका सही आंसर है ए मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1930। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1930 में नहीं बल्कि 1934 में हुई थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है?
तो इस सवाल में एक तरफ समाचार पत्र पत्रिका दी है और दूसरी तरफ इनसे संबंधित स्थान दिए हैं। आपके ऑप्शन ए सज्जन कीर्ति सुधारक उदयपुर में, बी राजपुताना गजट बीकानेर में, सी राजस्थान केसरी वर्धा में, डी तरुण राजस्थान अजमेर में। तो इसका सही आंसर है बी राजपुताना गजट बीकानेर में। राजपुताना गजट बीकानेर में नहीं बल्कि अजमेर में शुरू किया गया था। अगला सवाल है राजपुताना देसी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन ए 1925, बी 1932, सी 1928, डी 1937। तो इसका सही आंसर है सी 1928। अगला सवाल है निम्न में से किसे राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए रामनारायण चौधरी, बी साधु सीताराम, सी नैनूराम शर्मा, डी विजय सिंह पथिक। तो इसका सही आंसर है डी विजय सिंह पथिक। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो इस सवाल में एक तरफ राजस्थान में आंदोलन दिए हैं और दूसरी तरफ इनके वर्ष दिए हैं। आपके ऑप्शन है ए बिजोलिया किसान आंदोलन 1887 में, भील आंदोलन 1921 में, बेंगू आंदोलन 1921 में, मेव आंदोलन 1932 में। तो इसका सही आंसर है ए बिजोलिया किसान आंदोलन 1887 में। तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1887 में नहीं बल्कि 1897 में शुरू हुआ था। अगला सवाल है राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन ए 1922, बी 1937, सी 1929, डी 1942। तो इसका सही आंसर है बी 1937। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।